बारिश भी नहीं है इसलिए सभी लोग हेलो गाइस, मैं हूं ओपेश एलोलम और आप देख रहे हैं शैलोलम ब्लॉग। तो आज है 29 जून यानी कि हम लोगों का ईद अल अदहा यानी कि बकरी ईद। तो अभी बजे है ब्लैक सुबह के 4। तो अभी मस्जिद में अजान होगा और अजान के बाद नमाज होगा, तो हम जाएंगे नमाज पढ़ने, क्योंकि जो ईद का नमाज है वो पढ़ने के लिए ये नमाज पढ़ना इम्पोर्टेंट है, फजर का नमाज। तो पढ़ने जाएंगे मस्जिद में। तो आप लोग आज का ब्लॉग देखते रहिए कि आज पूरा दिन हम क्या क्या करेंगे। ऐसा कुछ दिखा भी नहीं पाऊंगा क्योंकि काम बहुत होगा, तो आपको वही दिखाएंगे क्या क्या होगा क्या क्या नहीं होगा। बहुत जगह जाएंगे हम यानी कि घूमने जाएंगे, तो पूरे ब्लॉग जरूर देखना। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना, क्योंकि 1K के बहुत करीब है हम, जल्दी 1K कंप्लीट करें। तो यार सभी तो जो सबको शेयर करो आप ये वीडियो, ताकि जल्दी 1K कंप्लीट हो जाए। और आप भी देखना, बहुत अच्छा लगेगा, तो वीडियो पर बने रहना। और चलिए शुरू करते हैं। दरिया तू ही, प्यास तू ही, दिल की बेकरारी तू सुको। तो गाइस आप लोग ये चेक कीजिए, तो आज मौसम कुछ इस तरह है, ना जाने ईद की नमाज़ के टाइम कैसा होगा। तो देखते हैं अच्छे से पढ़ पाते हैं या नहीं पाते हैं, तो वही हम देखेंगे। तो वो आ रहा है, ये चेक कीजिए। तो गाइस अभी जस्ट हम गोरखघाट करके वापस आ चुके हैं, यानी कि जो ईद में क्या होता है, जो सुबह सुबह नमाज फजर के नमाज के बाद सभी लोग जो लोग इंतकाल हुए हैं उनके लिए दुआ करते हैं, तो कब्रिस्तान में जाके दुआ करते हैं, दुआ पढ़ते हैं। तो इसी के रिगार्डिंग इतने लोग हम गए कब्रिस्तान, और उधर जाके इन जो इंतकाल हुए हैं उनके लिए हम लोग दुआ करके वापस आ गए। आप लोग जस्ट मौसम चेक कीजिएगा इस, तो आपको क्या लग रहा है कि ईद के नमाज के टाइम कैसा होगा सीन, तो मौसम आप लोग ये चेक कीजिए। और ईद के नमाज पर क्या होगा तो आप जस्ट प्रेडिक्ट कीजिए कैसा होगा ईद के नमाज के टाइम, तो वो भी हम दिखाएंगे कैसा होगा। तो अभी हम चलते हैं घर, थोड़ा चाय वाय पियेंगे और काम है थोड़ा करेंगे, तो चलिए चलते हैं। तो गाइस हम हो चुके हैं नमाज के लिए रेडी, तो अभी जाएंगे ईद का नमाज़ पढ़ेंगे। तो शायद हमारे फील्ड में नहीं होगा, वो मस्जिद में होगा ईद का नमाज, तो चलिए देखते हैं। तो गाइस बाहर भीग चुका है इसलिए बाहर नहीं होगा, तो ये लगा चुके थे बट बारिश के कारण तो बाहर नहीं होगा, अभी हमारा मस्जिद के अंदर होगा। तो ये छत वाला है तो दोनों तरफ ही करेंगे, तो चलिए चलते। चेक इट आउट गाइस, तो ये हमारे मस्जिद के छत के ऊपर है, यहाँ माइक वाइक लगा हुआ है, चेक कीजिए। इधर कुछ ऐसा कुछ सीन है, तो इधर भी ये बिठा कर हम नमाज पढ़ेंगे, तो देखते रहिए ना। गाइस अभी क्या चल रहा है फिलहाल, तो नीचे सूख चुका है, तो बरसात भी नहीं है, बारिश भी नहीं है, इसलिए सभी लोग नीचे जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं तो मस्जिद पर एक साथ नहीं होगा। तो अभी चल रहा है ये सब, देखिए क्राउड चेक कीजिए गाइस, जस्ट क्राउड चेक कीजिए। ये एक दुकान है मोमो चाउमीन का, ये चेक कीजिए गाइस।
A few moments later. तो गाइस नमाज पढ़ने के आने के बाद नहीं, उधर से ही मैंने जो हमारा हुजूर है उनको हाथ पकड़ कर ऐसे खींच कर हमारे इधर लेके आया, क्योंकि जो बकरी ईद है जो हलाल करना होगा, तो इसीलिए जल्दी मैंने लेकर आया। और उसके बाद हमारा सेकंड में होगा, फर्स्ट टाइम में उधर हो गया था तो हमारा सेकंड टाइम में हो गया था अभी, तो अभी हम जल्दी जल्दी काम वाम करेंगे। काम करने के बाद सबसे पहले हम समाज में जो होता है वो देंगे, आपको पता ही होगा मैं किस चीज़ की बात कह रहा हूँ बोल रहा हूँ। तो भाई बहुत ही काम है तो काम वाम करते हैं, और उसके बाद पूरा अगर टाइम मिले तो हम पूरा फ्रेश व्रेश होके पूरा एकदम सज बज के कुछ कहीं पर जाएंगे। तो वीडियो पर बने रहना और सब्सक्राइब कर देना। चलो तो गाइस कुछ इस तरह है मेरी हालत, एकदम हालत टाइट हो चुका है। अभी हम जाएंगे मेरे दादी के घर, क्योंकि ये सभी डिस्ट्रीब्यूशन करना है सभी के पास, और बहुत काम है। तो लड़की लोगों का काम नहीं है कोई, वो सिर्फ घूमते हैं। करी वोट डिस्ट्रिक्ट है क्या? तो 20 रुपया हो गया, 10 टका। अभी देखते हैं कोई दूसरा ऑटो आएगा तो टोटो आएगा तो टोटो लेके जाएंगे, तो देखते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन करना है, ये सभी देंगे उधर देखे, फिर वापस आएंगे। तो वापस आने के बाद और जाना पड़ेगा, तो बहुत सारे हैं। तो इधर कुछ भाई लोग हैं पूरा स्टाइल वस्टाइल करके अभी घूम रहे हैं, लड़की देख रहे हैं। तो गाइस अभी आप लोगों को हम दिखाएंगे कुछ दृश्य, तो आप लोग देखिए और मजा लीजिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इधर है, और आप लोग देख चुके होंगे कि आज भी सरस्वती माँ पधर चुके हैं हमारे इधर। भाई क्या ही बोलो भाई, सब लोग मुझे क्यों छपड़ी छपड़ी लग रहा है। तो गाइस ये चेक कीजिए, आपको हंसी दे। तो गाइस ये चेक कीजिए, लड़के लोग क्या कर रहे हैं भाई। तो गाइस बॉय गर्ल्स लोग ऐसे घूम रहे हैं और लड़के लोग ऐसे खेल रहे हैं पैसे से, ये चेक कीजिए। मजा आ रहा है, एकदम मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है भाई। तो हम हो गए थोड़ा रेडी वेडी, तो अभी जाएंगे आशरगंदी और उसके बाद माटी बग जाएंगे, उसके बाद आशरगंदी जाएंगे। तो चलिए चलते हैं। चेक कीजिए गाइस ईद के त्योहार पर ये क्या खा रहे, की खाया आशीष? घुगनी पापड़। तो गाइस घुगनी पापड़ खा रहे है। नहीं खाएंगे हम बाद में खाएंगे। लाइक शेयर सब करो। ओके करते हैं।
तो ये सभी नन्हे मुन्ने सब्सक्राइबर हैं, ऐसे करके मीटअप हो जाता है बीच बीच में। तो हम फिलहाल है माटिया बक में, तो इधर थोड़ा काम है ये करेंगे, उसके बाद हम जाएंगे आशारीगंज, और आशारीगंज जाने के बाद हम जाएंगे आलमगंज। तो आलमगंज में हम थोड़ा घूमेंगे, तो वही होगा सीन। तो चलिए चलते हैं और जल्दी चलते हैं। तुयोगी बढ़ जाऊ पूरे कौन बढ़ जाए तूने बाड़ी हटा कौन बाड़ी हाँ कुड़े जबा नानी बड़ी के तो तुम्हारा बाड़ी नहीं हटा मैं बाड़ी जाऊँ अब तू कौन बाड़ी जाबू जोड़े को कौन बाड़ी जाबू कार बड़ी जोड़े नानी भाई जाम। तो गाइस यही है काम करना बाकी है, तो अभी जा रहे हैं आर्यन को लेके। आर्यन कोटे जबो कोटे जबो कोटे जबो आर्यन तो आर्यन जाएगा नानी बड़ी। नानी बड़ी के लिए पप्पी दे कालो पप्पी दे तो कुछ दूधी ओपी दे कालो बड़ा रखते दे एक लग दूधी दे नानी नहीं जबान ना रखते दे माता दे नानी नहीं जबान ना रखते दे गुड मिसी तो आता है क्या बात है नानी बड़ी जमो पर नानी बड़ी जिंदाबाद नानी बड़ी जिंदाबाद। तो चलिए आर्यन को लेके चलते हैं हमारे घर, और उसके बाद देखते हैं अगर टाइम मिला तो जाएंगे उसके बाद आलमगंज। तो चलिए चलते हैं नानी भी जमो तो क्या है चलो चलो